टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। यूपी के बुलंदशहर में 45 साल के एक शख्स ने अपनी ही 25 साल की प्रेमिका की सिर्फ इसलिए गोली मारकर हत्या कर दी क्योंकि मृतका का रिश्ता उसके परिजनों ने कहीं और तय कर दिया था। प्रेमिका की हत्या के बाद प्रेमी ने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। ये तस्वीरें हैं बुलंदशहर के गांव में रहने वाले 45 वर्षीय आरोपी और उसकी 25 साल की प्रेमिका की। पुलिस अधिकारियों की माने तो विवाहित होने के बावजूद हत्या आरोपी का युवती से पिछले काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि मृतका का रिश्ता उसके परिजनों द्वारा कहीं और कर देने से नाराज हत्या आरोपी ने अपनी प्रेमिका की हत्या करने की योजना बनाकर वारदात को अंजाम दे डाला। मृतक प्रेमी अपनी मृतका के घर पहुंचा जहां उसने पहले प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुद को भी गोली मार ली जिससे प्रेमिका की मौके पर ही मौत हो गई जबकि प्रेमी ने जिला अस्पताल जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जहांगीराबाद थाना अंतर्गत कुनेना गांव में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को गोली मार करके स्वयं को भी गोली मार ली है। इस संबंध में थाना पुलिस मौके पर गई थी और ज्ञात हुआ कि दोनों में आपस में काफ़ी दिनों से मित्रता चल रही थी और महिला की शादी कहीं तय हो चुकी थी। इससे खफा होकर के प्रेमी ने प्रेमिका को गोली मारी उसके घर पर जा करके और स्वयं को भी गोली मार ली है। प्रेमिका की मृत्यु हो गई है, प्रेमी घायल है, उसके घर वाले उसे CHC जहांगीराबाद ले गए थे, वहां से उसे बुलंदशहर के लिए रेफर कर दिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई संपादित की जा रही है। फिलहाल मृतकों के शवों का पंचनामा भर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है जबकि पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।